सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप YouTube वीडियोस के लिए आप अच्छा खासा थंबनेल कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बना सकते हैं अपने YouTube वीडियोस के लिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियोज़ बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका था, दो कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका था। और उस वीडियो पर मैंने जो थंबनेल लगाया था वो थंबनेल मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आप सबको तो इतना अच्छा लगा कि मैं इतना ज़्यादा प्यार दी उस वीडियो पर मैं कह नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों उस वीडियो का जो इतना अच्छा थंबनेल था और आप सब इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई ये थंबनेल आप कैसे बनाया, किस तरह से बनाया, आप भी मुझे भी बता दिया आपको किस तरह से थंबनेल बनाया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप प्रोफेशनल तरीके से थंबनेल कैसे बना सकती है, वही थंबनेल आपको बना के दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखते रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर देना है। सो गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एंड इस एप्लीकेशन में आपको बताने वाला है कि आप YouTube वीडियोज़ के लिए आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल साइज के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पर जाकर आपको पिक्सलैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आपको पता होगा पिक्सलैब एक थंबनेल बनाने के लिए एक एप्लीकेशन होता है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो पिक्सलैब एप्लीकेशन को आपको सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड जैसे ही इसे आपको आप ओपन करना है तो उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर आपको एक साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थ्री डॉट का ऑप्शन, इस साइड वाला थ्री डॉट पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इमेज साइज पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको यूट्यूब थंबनेल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब यहाँ पर ओके क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों आप ओके पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक यूट्यूब थंबनेल का एक साइज आ जाएगा, उस पर आप यहाँ पर आप थंबनेल प्रॉपर तरीके से आप बना सकते हैं, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी अगर आपको बैकग्राउंड लेना है तो यहाँ से आप यूज इमेज फॉर गैलरी पर जाकर यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ है कि यहाँ पर इस पर आप कलर पर क्लिक कीजिए और जो भी थंबनेल लेना है यहाँ पर आप थंबनेल सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको सही वाले पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जो मेरा जो एक फ़ोटो होगा वो मैं यहाँ पर फोटो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी फ़ोटो। आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं एक थंबनेल बना रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फोटो सेलेक्ट, जैसे मान लीजिए यही फ़ोटो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे आपको सेटिंग कर लेना है जिस तरह से आपको अरेंज करना होगा। तो अरेंज करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्टॉक डालना है, इससे आपका जो फ़ोटो पर जो डली रहेगा वो आपको स्टॉक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आप बढ़ाते जाएंगे उस तरह से स्टॉक आपका बढ़ता जाएगा। तो मैं स्टॉक कम ही थोड़ा रहता हूँ, उसके बाद सही वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको लिखना है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे जाता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर आपको अर्न डेली 5000 रुपया। मान लीजिए मैं एक पैसा कमाने वाला ही थंबनेल बनाता हूँ तो अर्न डेली 5000 रुपया लिख देता हूँ। डन पे क्लिक कर लेना है, ओके पे क्लिक कर लेना है। और जिस तरह से आपको यहाँ पर आपको अरेंज करना है वहाँ से आप अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको AV फॉन्ट पे जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर आपको एक राइटिंग लेना है। तो मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी यहाँ पर आपको, और यहाँ पर मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक अरेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको कलर देना है, इस राइटिंग में आपको कौन सा कलर डालना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कलर का ऑप्शन, इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर लाल कलर ही देता हूँ और उसके बाद सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉक पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको जो भी स्टॉक देना है ये लाइन के ऊपर यहाँ पर आपको स्टॉक मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉक कीजिए, ये आपको दिखा जाएगा उजला कलर का मैं स्टॉक दिया है। तो यहाँ पर आपको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ये तो हो गया। अब यहाँ पर आपको फिर से जाना है प्लस वाले आइकन पर, फ्रॉम गैलरी पर जाना है। और कोई भी यहाँ पर आपको पेटीएम यहाँ पे कोई प्रूफ फोटो डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैंने एक फ़ोटो यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, तो मैं कोई भी एक फ़ोटो पेमेंट प्रूफ वाला फ़ोटो डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर आप फोटो चूज कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यहाँ पर आपको अरेंज कर लेना है कि आपको कैसे थंबनेल बनाना है। यहाँ पर मैं अरेंज कर लेता हूँ कोई भी साइज से, और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको स्टॉक डालना है। फिर से यहाँ पर मैं पीला कलर का स्टॉक डाल देता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा बढ़ा देता हूँ और सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ क्योंकि ये राइटिंग पर चल गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर आपको एक एरो देना है जो दिखाने के लिए आपको एरो दिख रहा होगा। तो मैं कोई भी यहाँ पर एक एरो देता हूँ जो मैं अपने गूगल से डाउनलोड किया है। अगर आपको ये एरो डाउनलोड कर लेना है तो यहाँ पर आप गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए एरो PNG,
एरोप्लेन दिया जाएगा। इस तरह से आप जिस तरह से डाउनलोड करना चाहेंगे उस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता होगा गूगल से यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दे देते हैं, यहाँ पर हम एरो वाला यहाँ पर निशान दे देते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद नीचे में आपको कुछ भी लिख देना है, जैसे आपको लिख देना है मैंने कमाया 10,000 रुपये इस ऐप से, मैंने कमाया इस ऐप से। पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैंने कमाया इस ऐप से, मैंने कमाया इस ऐप से। इस आप इस राइटिंग को थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ। सीधे क्लिक कीजिए, यहाँ सब किस यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कलर चूज करना है, जो भी आपको कलर देना है। तो मैं पीला कलर चूज कर लेता हूँ और इस पर भी थोड़ा एक स्टॉक डाल देता हूँ, इससे थोड़ा अच्छा लगे। थोड़ा ये स्टॉक डाल दिया, काला का स्टॉक डाल दिया। और यहाँ पर आपको अरेंज कर लेना है और उसके बाद जो भी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। इस तरह से आप थंबनेल प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। मैंने जो थंबनेल बनाया था वो भी यही पिक्सलैब ऑप्शन पिक्सलैब से बनाया था, काफ़ी हल्का है। इस तरह से आप थंबनेल बना सकते हैं। सो गाइस, मैंने आपको सारा चीज़ आपको बता दिया कि आपको किस तरह से थंबनेल बनाना है, किस तरह से आपको राइटिंग लिखना है और किस तरह से आपको पीछे में बैकग्राउंड देना है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। सो गाइस, मिलता है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।